दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती फिल्मों से काफी दूर हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ छोटी मोटी और शॉर्ट्स फिल्में करते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती का यह बड़ा बेटा अब की बार दो बड़ी मूवी से एंट्री करने वाला है। फिल्म एक फिल्म के बारे में तो आप सबको पता भी होगा, जिस फिल्म का नाम जोगीरा सारा राणा है, जो कि होली पर रिलीज करने की संभावना भी बनाई गई है। लेकिन उसके पहले भी उसके बाद भी एक फिल्म और है जिसके बारे में खुद मिथुन चक्रवर्ती की इस बड़े बेटे यानी कि महा चक्रवर्ती उर्फ मिमोह ने इस फिल्म की जानकारी दी है। ओए भूतनी के फिल्म का नाम है ओए भूतनी के, जिसका टेक लिए खुद मिमोह चक्रवर्ती खड़े हैं और इस तस्वीर में आप सबको दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा भी है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं और ग्रेटफुल समझता हूं जो कि मैंने इस फिल्म में काम किया है। ओए भूतनी के बहुत जल्द आप सभी के सामने, यानी कि 22 तारीख को इस फिल्म के अनाउंसमेंट मिमोह चक्रवर्ती ने कर दी थी और अब इस फिल्म को बहुत जल्द यानी कि 2023 के अंत तक ही रिलीज करने की बातें भी सामने आ जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मिथुन चक्रवर्ती की इस बेटे के लिए बड़ी फिल्म से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की, तो मिथुन चक्रवर्ती की भी कई सारी फिल्म है जो कि कतार में है। सबसे बड़ी फिल्म है बाप, जिसकी जानकारी भी आप सबको लगातार अपडेट मिल रहा है। फिलहाल मिमोह चक्रवर्ती की यह फिल्म और भूतनी के बहुत जल्द आने वाली, इसके बारे में खुद इन्होंने जानकारी दे दी है। क्या प्रतिक्रिया है आप पर, क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा राय।